हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे वी विल सॉल्व क्लास थर्ड इंग्लिश वर्कशीट टॉपिक आई माय यू योर। आई का मीनिंग होता है मैं, माय मेरा, यू तुम, योर तुम्हारा। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वन, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विद आई, यू, माय एंड योर। पिक्चर को ध्यान से देखिए और वाक्य पूरा कीजिए। आई, यू, माय एंड योर में से आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। फर्स्ट आपके लिए किया गया है, आई एम राहुल, दिस इज माय बैट, यस दिस इज योर बैट। तो यहाँ ब्लैंक में पहले आई, फिर माय, उसके बाद योर लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पिक्चर में डैश एम रूही, तो यहाँ आई लिखेंगे। दिस इज डैश डॉल, तो यहाँ माई लिखेंगे। यस दिस इज डैश डॉल, तो यहाँ योर लिखेंगे। थर्ड पिक्चर में डैश एम मोहन, यहाँ आई लिखेंगे। डैश एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ आई लिखेंगे। दिस इज डैश बुक, तो यहाँ माई लिखेंगे। आई एम मोहन, मैं मोहन हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पिक्चर में डैश एम आशीष, तो यहाँ आई लिखेंगे। डैश एम अ राइडर, तो यहाँ आई लिखेंगे। दिस इज़ डैश बाइसिकल, यहाँ माई लिखेंगे। आई एम आशीष, आई एम अ राइडर, दिस इज़ माई बाइसिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन टू, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। सही शब्द से खाली स्थान भरिए। यहाँ ब्रैकेट में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट करते हैं, डैश एम अ फार्मर, दिस इज डैश फील्ड, तो यहाँ फर्स्ट लिखेंगे आई और उसके बाद माय, तो बनेगा आई एम अ फार्मर, दिस इज माय फील्ड। सेकंड, डैश आर अ स्टूडेंट, दिस इज डैश बुक, तो यहाँ पहले यू लिखेंगे और उसके बाद योर फिल करेंगे, तो बनेगा यू आर अ स्टूडेंट, दिस इज योर बुक। थर्ड करते हैं, डैश आर स्टूडेंट्स, दीज आर डैश बुक्स, तो यहाँ पहले यू लिखेंगे और उसके बाद वाले ब्लैंक में योर लिखेंगे, तो बनेगा यू आर स्टूडेंट्स, दीज आर योर बुक्स। फोर्थ सेंटेंस में डैश एम अ डॉक्टर, दिस इज डैश हॉस्पिटल, तो यहाँ फर्स्ट ब्लैंक में आई और सेकेंड ब्लैंक में माय लिखेंगे। आई एम अ डॉक्टर, दिस इज माय हॉस्पिटल, मैं एक डॉक्टर हूँ और यह मेरा हॉस्पिटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थ्री, फिल इन द ब्लैंक्स विद आई, माय, यू और योर। ब्लैंक में आई, माय, यू और योर में से चुनकर लिखिए। फर्स्ट, आई एम योर ब्रदर, डैश आर माय सिस्टर, तो यहाँ यू लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस में आई एम योर सिस्टर, डैश आर माय ब्रदर, तो यहाँ यू लिखेंगे। आई एम योर सिस्टर, यू आर माय ब्रदर, मैं आपकी बहन हूँ और तुम मेरे भाई हो। थर्ड, यू आर माय सिस्टर, तुम मेरी बहन हो। डैश आई एम योर ब्रदर, तो यहाँ आई लिखेंगे। आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। फोर्थ सेंटेंस में आई एम सिया, डैश शूज आर ब्लू, तो यहाँ माई लिखेंगे। आई एम सिया, माई शूज आर ब्लू। नेक्स्ट लाइन में डैश शूज आर वाइट, तो यहाँ योर लिखेंगे, योर शूज आर वाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स गुड मैनर्स, जीवन कौशल में आज गुड मैनर्स के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, आई नो You all are good children, but do you know why? Because of your good habits and good manners. I'm sure you all behave in the best manners with all the people around us. So let us revise them once again. बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, पर क्यों? क्योंकि आप में बहुत सारी अच्छी आदतें हैं और आप में गुड मैनर्स हैं, और मुझे विश्वास है कि आप हमारे चारों तरफ जो लोग हैं उनके साथ बेस्ट मैनर्स, अच्छे से व्यवहार करेंगे। चलिए एक बार इन गुड मैनर्स को रिवाइज करते हैं।
यहाँ पर देखिए, गो टू बेड अर्ली वेक अप अर्ली, रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जब सुबह होती है तो हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। उसके बाद बी काइंड एंड पोलाइट, हमेशा काइंड रहिए, दयालु रहिए और पोलाइट, नम्र रहिए। नीचे यहाँ पर बॉय और गर्ल दिए गए हैं, गर्ल ने हैंड रेज किया है, क्यों? क्योंकि अगर किसी को कुछ पूछना होता है तो हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि दोस्तों को पता चल जाए कि इनको कुछ पूछना है। यूज़ हैंडकरचीफ वाइल स्नीजिंग, स्टे होम स्टे सेफ। जब भी छींक आए तो हैंडकरचीफ का यूज़ करना चाहिए, रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आई विल नॉट इंटरप्ट दैम, मैं इन्हें बीच में नहीं रोकूंगा। कभी भी जब दो जने बात कर रहे हों तो हमें बीच में उन्हें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। नॉक बिफोर यू एंटर, किसी के भी कमरे में जाने से पहले आपको नॉक करना चाहिए। थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, ये कुछ मैजिकल वर्ड्स हैं, आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पर बीच में शेयर, शेयरिंग हमें करनी चाहिए ना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। चलिए, ये कुछ गुड मैनर्स थे, आप सभी इनके बारे में जानते हैं, हमने रिवाइज कर लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संस्कार शाला, एवरीथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर लेजी। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सब कुछ आसान होता है जब आप व्यस्त रहते हैं, परंतु कुछ भी आसान नहीं होता जब आप आलसी होते हैं। इट मीन्स एवरीथिंग इज ईजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज ईजी व्हेन यू आर लेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड एंड ड्रिंक हैव ग्रीन कलर पराठा एज लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। आपको हरे कलर का पराठा खाना है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में बहुत सारी हरे पत्ते वाली सब्जियां उपलब्ध हैं। एक्टिविटी, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच यू हैड इन द पास्ट वीक। आपको एक लिस्ट तैयार करनी है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो आपने पिछले वीक में खाए हैं। गेम, जीरो काटा, आपको अपने परिवार के साथ जीरो काटा गेम खेलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या, इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कौन कौन सी आदतें हैं? बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली, प्रतिदिन स्नान करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, अपने गृह कार्य, अपने होमवर्क को समय पर पूरा करें। तो ये सभी अच्छी आदतें हैं जो आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।